हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी? तो आपका स्वागत है हमारे ड्रैगन्स यूट्यूब चैनल के एक और अमेजिंग वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि यार इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड सीटअप ग्लू वेल के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रोटेशन रैक के कुछ प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर से जाकर देख लेना, बहुत ही अमेजिंग है वीडियो। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को जरूर से लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग फ्री फायर के टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो यार चलिए आज की अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर हम अपने राइट फायर बटन की बात करें, तो अगर आप जनरल सेंसर वीडियो को थोड़ा सा कम करने के बाद राइट फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो आपका ड्रैग बहुत ही कम होगा और बहुत ही थोड़ा सा ही ड्रैग होगा। और वहीं पर अगर आप अपने जनरल सेंसर वीडियो को 100 करने के बाद राइट फायर बटन को ड्रैग करते हो ऊपर की तरफ, तो बहुत ही क्विक ड्रैग होता है, बहुत ही फास्ट ड्रैग होता है और आपका कैमरा एंगल भी बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट हो जाता है। तो आपको सिंपली से क्या करना है, अपने जनरल सेंसर वीडियो को हमेशा 100 रखना है अगर आप फास्ट ग्लू वेल लगाना चाहते हो। तो अगर आप फ्री फायर के सेटिंग्स पर जाकर वहाँ पर कंट्रोल पे जाओगे तो आपको वहाँ पर एक बटन देखने को मिल जाएगा जिसको कहते हैं लेफ्ट फायर बटन। उसको आपको सिंपली से ऑलवेज कर देना है या फिर कह सकते हो ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको अपने फ्री फायर के कस्टम मोड पे जाने के बाद इंडेक्स फिंगर के अंदर इसको रख देना है अगर आप 3 फिंगर खेलते हो तो, और अगर आप 2 फिंगर खेलते हो तो आपको सिंपली से अपने थंब के आसपास रखना ताकि आप उसके ऊपर क्लिक कर पाओ। तो भाई अगर आप अपने 2 फिंगर कस्टम मोड पे खेलते हो तो आपको अपने फ्री फायर का जो लेफ्ट फायर बटन होगा एंड ग्लू वॉल बटन होगा उसको थोड़ा सा पास पास रखना है। इससे क्या होता है कि ग्लू वॉल बटन को दबाने के बाद इंस्टेंटली आप लेफ्ट फायर बटन को ऊपर क्लिक कर पाओगे। इससे आपका ग्लू वॉल बहुत ही फास्ट लगेगा एंड देन आपके थंब के सहायता से आप बहुत ही इजीली ग्लू वॉल भी लगा सकते हो। तो भाई अगर आप सीटअप ग्लू वेल न्यू सीखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा सीटअप मूवमेंट। अब यार सीटअप मूवमेंट यहाँ पर गेम प्ले पे आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपको फायर करना है, उसके बाद क्राउच करके रन करने का ट्राई करना है। इससे आपको एक मसल मेमोरी मिलेगा जिससे कि आप समझ जाओगे कि कितना फास्टली आपको सीटअप ग्लू वेल को परफॉर्म करना है, यानी कि जब आप सीटअप ग्लू वेल परफॉर्म करने जाओगे तो आप बहुत ही अच्छे खासे सीटअप ग्लू वेल लगा पाओगे। तो भाई यार सीटअप ग्लू वेल के ट्यूटोरियल के बारे में बात करें तो आपको सबसे पहले फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। सिंपली से आप जैसे फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग करते हो तो आपको फायर बटन को छोड़ना नहीं, आपको सिंपली से नीचे की तरफ फायर बटन को ड्रैग कर देना है इंस्टेंटली। उसके बाद आपको क्राउच बटन पर क्लिक करना है, बैठने वाला बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको ग्लू वेल बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना है एंड देन आपको क्लिक करना है लेफ्ट फायर बटन के ऊपर। और जैसे ही आपके सामने ग्लू वेल लग जाता है उसके बाद आपको रन करते हुए वहाँ से भाग जाना है। अब यार मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ, आपको सिंपली से फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग करना है एंड देन फिर से आपको फायर बटन को नीचे की तरफ ड्रैग करना है, उसके बाद क्राउच बटन पे क्लिक करना है एंड देन ग्लू वेल बटन पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपको क्या करना है लेफ्ट फायर बटन के ऊपर इंस्टेंटली क्लिक कर देना है। तो भाई यहाँ पर हम अगर हैंड कैम की बात करें तो हैंड कैम पे भी जैसे कि देख सकते हो आप, यहाँ पर मैं सारे के सारे टिप्स को फॉलो करने के बाद ही सीटअप ग्लू वेल को इजीली परफॉर्म कर पा रहा हूँ। आपको भी इस तरह से करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले जैसे कि देख सकते हो फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ मैं, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली से क्राउच करना है, उसके बाद ग्लू वेल बटन पर टैप करना है एंड देन लेफ्ट फायर बटन से ग्लू वेल लगाना है। यहाँ पर आप अगर नोटिस करोगे तो देख पाओगे मैं 3 फिंगर में खेलता हूँ, आप 2 फिंगर में भी खेलते हो तो अब भी आप सीटअप ग्लू वेल बहुत ही फास्टली लगा सकते हो, बस आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब यार आप बोलोगे कि भाई मैं तो सीटअप ग्लू वेल लगाना सीखना चाहता हूँ बट मेरे पास तो कस्टम नहीं है कि आप की तरह अनलिमिटेड ग्लू वेल में जाकर प्रैक्टिस करो, तो भाई यार कस्टम के सहायता से भी आप सीटअप ग्लू वेल को सीख सकते हो एंड यार विदाउट कस्टम पे भी आप सीटअप ग्लू वेल को सीख सकते हो। तो यार मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से सीटअप ग्लू वेल को प्रैक्टिस करना है। तो भाई यार आपको सिंपली से ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाना है, उसके अंदर जाने के बाद आप सिंपली से जहाँ से गन वगैरह उठाते हो उसके राइट साइड पे अगर नजर डालोगे तो आपको एक गेट देखने को मिलेगा, एक डोर देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको सिंपली से घुस जाना है। उसके अंदर घुसने के बाद कुछ इस तरह एक जगह पर आपको ले आया जाएगा, यहाँ पर आपको सीटअप ग्लू वेल का ट्राई करना है मूवमेंट के साथ साथ। यहाँ पर आप फायर नहीं कर सकते हो लेकिन हाँ सीटअप ग्लू वेल का ट्राई कर सकते हो, सीटअप ग्लू वेल का प्रैक्टिस कर सकते हो मूवमेंट करने के साथ साथ, यहाँ से आप सीटअप ग्लू वेल को बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो। तो भाई अगर आपका सीटअप ग्लू वेल को लेकर कोई भी डाउट या फिर प्रॉब्लम है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर एक सोल्यूशन वीडियो बना दूंगा। तो भाई यार होप करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे अमेजिंग फ्री फायर के टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं इस चैनल पर। तो भाई अगर आपको 2 फिंगर कस्टम मोड से 3 फिंगर क्लो में जाना है तो यार लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो, और अगर आपको रोटेशन रैगेट शॉट मारना सीखना है तो यार राइट वाले वीडियो पर जरूर से क्लिक करना।